राजनांदगांव की दिक्कत काफ़ी दिनों से है और मुझे लगता है कि मूल विषय यहाँ तुलनात्मक रूप से दूसरे मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टरों को पे मिलता है उससे तुलनात्मक राजनांदगांव में कम मिलने की वजह से इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, इसको ठीक कर लेते हैं। नक्सल पीड़ित परिवार के लोग पुनर्वास नीति का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, घूम रहे हैं, उनको मकान नहीं मिल रहा है डॉक्टर? नहीं, पुनर्वास की एक स्पष्ट नीति बनी हुई है प्रदेश स्तर में और उसका 100% क्रियान्वयन नक्सली जो आत्मसमर्पण करते हैं, किस शस्त्र के साथ समर्पण किया, उनको उनसे अपराध उनके अंदर थे, उस आधार पे उनको राशि भी मिलती है और बाद में अन्य प्रशिक्षण और नौकरी की व्यवस्था हो। आबकारी विभाग में कमीशन खोरी चल रही है, वीडियो भी वायरल हो रहा है, 200 रुपये प्रति पेटी ऊपर लिया जा रहे हैं कोचियों से। नहीं, यहाँ स्पष्ट है, राजनांदगांव जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए मैं बोलना चाहूँ, एक कोची नाम का प्राणी राजनांदगांव में दिखेगा नहीं। पुलिस को सख्ती के साथ निर्देश हर प्रकार से हो चुका है और कार्रवाई भी दिखेगा और दिख रहा है। मतगणना करीब है 4 तारीख को, क्या कहना चाहते? मतगणना है और राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी संतोष पांडे जी अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। 11 में 11 लोकसभा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पूरे देश में अब नारा नहीं रहा 400 पार, ये 4 तारीख को धरातल में उतरेगा जब 400 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी मिलकर जीत। बट क्या करते हैं?